अब एक लास्ट हार्मोन बचा है बेटा जो कि हाइपोथैलमस रिलीज करता है, ठीक है, जिसका नाम है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोफिन। बेटा मैंने आपको एक इमेज भेजी थी, आपने पढ़ा था उसको? देखा था सर एक बार बस। क्यों देखते हो यार, वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो सब। वो एक पेपर पढ़ लोगे ना, आपको सारे हार्मोन के नाम और सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। सर मैं तो देख रहा था, अजीब अजीब नाम लिखे हुए थे, मैंने कहा भाई है क्या था। चलो, कॉर्टिक वर्ड आया तो मतलब समझ लो कॉर्टेक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कॉर्टेक्स की। ओके ओके एयर क्या। और ये कहाँ पे जाके एक्ट करता है बेटा? पिट्यूटरी पैक करेगा, नो डाउट। पिट्यूटरी पैक करेगा, रिलीजिंग हार्मोन तो ऑब्वियसली पिट्यूटरी पैक करेगा, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी पे एक्ट करते टाइम ये रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। क्या नाम है? एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रिनो। एड्रिनो कहाँ पे रहता है? एड्रिनल ग्लैंड, बोलो। वो सर रहता है दिमाग के, मतलब दिमाग में रहता है सर, दिमाग में कहाँ रहता है, दिमाग में, दिमाग में रहता है सर, पाइनियल के साइड बगल में रहता है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिन। हाँ बेटा, जी सर, एड्रिनो नहीं सॉरी है सर तो सर वो पैंक्रियास के बगल में रहता है नीचे में। हमारा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। ये एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीज हार्मोन बेटा होता है किडनी के ऊपर। कहाँ होता है किडनी के ऊपर, वो? समोसा नहीं रहता किडनी के ऊपर, वही समोसा ही है। हाँ उसका कॉर्टिकल पार्ट जो है उसको कॉर्टिकल रूप, मतलब ये पार्ट को अगर अपने बड़ा करके देखे ना कुछ ऐसा दिखता है ये, देखो इस तरीके से। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया भी था बेटा, आप भूल गए हो। अंदर का पार्ट मेडुला होता है, बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टिकोट्रॉफिन मतलब कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। क्लियर? बोलो। यस हाँ अब एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन जो बेटा ट्रॉफिक वर्ड आ रहा है मतलब पिट्यूटरी रिलीज करेगा, ये जाके सीधा एक्ट करेगा किधर? इसके ऊपर, इसके कॉर्टेक्स पे ऊपर। और इसके रिस्पॉन्स में रिलीज कराएगा एक हार्मोन जिसका नाम है कॉर्टिकोट्रॉफिन। क्या नाम है? कॉर्टिको कॉर्टिकोट्रोफिन। ट्रॉफिन। अब बेटा कॉर्टिकोट्रॉफिन तीन तरीके के होते हैं और जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा होता है एंड्रोकॉर्टिकॉइड, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड, सॉरी एंड्रोकॉर्टिकॉइड, तीसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मुझे पता है कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना अभी। बस मैं नाम सोच रहा हूँ, नाम कैसे याद होगा, समझ तो आ रहा है सब कुछ। जब देखो आपको एक बात बताता हूँ, ये सब हमने पढ़ा ना बेटा, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आए हम वापस रिवाइज करेंगे जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझे? तो वहाँ पे आपको वापस एक बार रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? यस जो अभी समझाया वो सब। ये कॉर्टिकोट्रॉफिन का एक हार्मोन का एग्जांपल है बेटा कॉर्टिजॉल। क्या है? कॉर्टिजॉल। कॉर्टिजॉल। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। जब इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है तो नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या देता है? नेगेटिव फीडबैक। किसको देगा नेगेटिव फीडबैक? जाके हाइपोथैलेमस हाइपोथैलमस को। हाइपोथैलमस को क्या बोलेगा? रिलीज नहीं करना है सीआरएच, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन को नहीं बनाना है भाई, क्योंकि कॉर्टिजोल ज़्यादा बन गया है। कॉर्टिकोजोल किसने बनाया था? कॉर्टेक्स ने बनाया था। किसके कॉर्टेक्स ने? एड्रिनल के कॉर्टेक्स। कहाँ पाया जाता है? किडनी के सर ऊपर, एड्रेनल के कॉर्टेक्स में। किडनी के ऊपर, ठीक है। हाँ और इसके ऊपर यस कौन सा हार्मोन काम करता है? एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन। ओके यस चलिए। अब ये हो गए बेटा सारे हॉर्मोन्स, ठीक है। अब हमारा ब्रेन जो है, ये ब्रेन है, ब्रेन का सेरिब्रम है, इसमें सर डाइनसेफेलॉन मैं है। आ ही जाता हूँ कल, बना के। अभी कितना टाइम है अपने पास?